बच्चों, आई एम फ्रॉम लालबाग गर्ल्स इंटर कॉलेज। आज मैं क्लास 12th के लिए आपके लर्निंग चैप्टर का जो लास्ट टॉपिक है दैट इज हैबिट, यानी कि आदत, इसके बारे में एक्सप्लेन करूँगी। आदतें क्या होती हैं? आदतें हमारी रोज़मर्रा जीवन में, दिनचर्या में वो व्यवहार हमारा होता है जब हम बिना किसी प्रयास के हम कोई काम करते रहते हैं और वो हमारे जीवनचर्या का ऐसा हिस्सा या हमारा अभिन्न अंग बन जाती हैं जिसके लिए हमें कोई प्रयास नहीं करना पड़ता। तो देखिए बुक में क्या लिखा है, जब कोई व्यक्ति किसी कार्य को बार बार करता है तो उस व्यक्ति को उस कार्य करने की आदत पड़ जाती है। सीखने के कार्य में आदत का महत्वपूर्ण स्थान है। जब किसी सीखे हुए कार्य की आदत पड़ जाती है तो ये कार्य स्वचलित यानी ऑटोमेटिक रूप से संचालित होते हैं। आदत जन सीखी हुई क्रियाओं में न केवल कम परिश्रम लगता है बल्कि शक्ति भी कम खर्च होती है। जैसे हम सुबह जल्दी उठने की आदत बना लें, अपने खाने का टाइम टेबल की आदत बना लें, स्कूल जाने की आदत बना लें, तो हमारे माइंड पे बहुत जोर नहीं पड़ेगा कि हम रोज़ सुबह उठ के सोच रहे हैं कि हमें क्या करना है। हम अपनी आदतों के अनुसार अपना सारा कार्य करते जाएंगे। तो अर्थ होता है आदत एक अभ्यास पूर्ण क्रिया है, यानी जो जो कार्य हम बार 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 करते रहते हैं, बार बार उसका रिपीटिशन होता जाता है, रिपीट करते रहते हैं, तो वो हमारे व्यवहार में एक अभिन्न अंग की तरह विकसित हो जाते हैं। इस शब्द का विकास अंग्रेजी शब्द हैबिट से हुआ है। इस हैबिट शब्द की व्युत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द हैबिट्स या हेबियर से मानी जाती है और जिनका तात्पर्य है किसी वस्तु को प्राप्त करना। तो अभ्यास द्वारा बिना किसी प्रयास के जब कोई व्यवहार हमारे जीवन का एक अंग बन जाता है तो वह हैबिट कहलाता है। इसके नोट्स मैंने आपको ग्रुप पे भेज दिए, देख लीजिएगा। इसकी विशेषताएं क्या होती हैं? एक रूपता होती है, यानी कि एक तरह से संचालित होता है। जिस तरह से हमें सुबह उठना है, हमारे लेटने की आदत है या हमारे खाना खाने की कुछ आदतें ऐसी होती हैं, वो उसमें एक तरह का ही हमें पैटर्न दिखने को मिलता है। कार्य सुगम हो जाता है, कार्य सुगम यानी सरलता से सारे कार्य हमारे होने लगते हैं। कार्य रुचिकर हो जाता है यदि हमें अपनी आदतों के अतिरिक्त कोई कार्य करना पड़े। किसी व्यक्ति को चाय पीने की आदत है और उसको चाय की जगह पे कॉफ़ी दे दी जाए या कोल्ड ड्रिंक दे दी जाए तो वो कार उसके लिए रुचिकर नहीं रहेगा, उसे केवल चाय के टाइम पर चाय ही चाहिए बेटा। तो ये होता है आदतों का महत्व हमारे लाइफ में।